हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप देख सकते हैं मेरी सुबह हो चुकी है एक बहुत ही हसीन और खूबसूरत दिन के साथ। कितनी अच्छी हवाएं चल रही हैं आज। तो आज का दिन तो जैसे पता है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। चले आइए नाश्ता करते हैं, फिर आपको दिखाते क्या था। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता आ चुका था। यहाँ पर मैंने खाए थे पाए, चने एंड नान। तो यहाँ जल्दी से मैं नाश्ता कर लिया, फिर हम चले गए बाहर कुछ शॉपिंग वगैरह करने, कुछ क्रॉसिंग करनी थी एंड बाकी सब कुछ। तो आज मौसम इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा मौसम था बहुत ही ज़्यादा। सो हम पहले हमारी जो आउटलेट की शॉप थी वो थी आउटफिटर्स, ये हम आ चुके हैं। तो यहाँ आती सबसे पहली चीज़ मैंने देखी एक छोटे से बेबी के शूज़। लाइक ओ माई गॉड, इतने क्यूट थे, इन पर तो मेरा दिल आ गया था, बहुत ज़्यादा प्यारे थे। फिर हमने आगे कैरी ऑन की अपनी शॉपिंग देखी थी। तो यहाँ पर ना मुझे शूज़ पसंद आए थे वो ये थे, बट मैंने नहीं लिए क्योंकि मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था। फिर हम लोग आ चुके थे यहाँ पर एथनिक पे। तो ये वाला सूट एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे एंड और भी बहुत ज़्यादा अच्छे सूट थे, ये भी बहुत अच्छा था। लेकिन एवरीवन, जो आजकल एथनिक जो टक्कर दे रहा ना सारे ब्रांड्स को, एथनिक इज मतलब माइंड ब्लोइंग, ये स्टनिंग है। आप इसको इसके सूट चेक करें, इतनी अच्छी स्टिचिंग इनकी, जो हर चीज़ एक क्लास, इनकी डिज़ाइन, इनकी स्टिचिंग, इनके आउटफिट, लाइक इनकी तो कोई कंपेयर कर ही नहीं सकता। सो एक ये वाला जो सूट था मुझे इतना पसंद आया था एंड बहुत ज़्यादा। एंड गाइस, लेट मी टेल यू कि सेल लगी हुई है एंड बहुत रीज़नेबल पे 50% ऑफ, 40%, 30%, 20% ऑफ लगी हुई है एंड बहुत ही रीज़नेबल सूट मिल रहे हैं। सो एक ये सूट था जो कि बहुत ही स्टनिंग था, बहुत ही आउट क्लास था, बट इसकी प्राइस 16,000। सो मैंने इसको ज़्यादा देखा नहीं क्योंकि मेरा दिल आ जाता तो फिर मसला हो जाता। आगे हमने कैरी ऑन किया तो सारे ये जो थे ना ये कैजुअल वेयर थे एंड ठीक है, लाइक घर में पहनने के लिए। एंड ये टू पीस थे एंड स्टिच टू पीस की प्राइस जो चल रही थी ना वो एथनिक पे चल रही थी 3500 या 4000 या 3000। सो ये बहुत ही रिजनेबल हैं, आजकल तो इतने में कोई नहीं मिल रहा टू पीस वो भी स्टिच। सो आगे हम लोगों ने कैरी ऑन किया कि देखते हमें कुछ मिले अच्छा सा क्या मिले। इतने ज़्यादा हमें इतनी अच्छी इनके सारे डिज़ाइन थे, हमें तो हर चीज़ पसंद आती थी, मैं दिल कर रहा था मैं हर चीज़ ही ले लूँ। लेकिन फिर भी वेल, हमने लोगों ने देखा कि कौन सा सबसे अच्छा है, तो फाइनली मुझे पसंद आ गया था एंड वो था ये वाला। तो पहले मैंने सोचा इसको मैं ट्राई करती हूँ, फिर मैं इसको ट्राई किया एंड फाइनली मैंने दो सूट एक मम्मा की शॉल थी वो हमने लिया, इसका बिल करवाया एंड ये मैंने ले लिया है एथनिक का। सो नेक्स्ट आउटफिट थी जो हमारी आउटलेट थी वो थी जेड और जुनेद जमशेद। सो यहाँ पे तो मैंने काफ़ी टाइम हो गया पहनना छोड़े, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि हम लोग कुछ देख लेते हैं शायद कुछ मिल जाए, क्योंकि अब इनकी स्टिचिंग वो अच्छी नहीं है, लाइक इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे मम्मा मुझे दिखा रही थी ये वाला सूट, लेकिन नाउ वही जो था इनके स्टिचिंग का इशू था। सो मैंने इसको डिसाइड किया हम नहीं लेंगे, बाकी देखा लेकिन ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, मैंने तो देखी ही नहीं। फिर आके जो मैं भी सूट वगैरह लेकर आई थी ना, वहाँ मम्मा ने कहा था कि इसके दुपट्टे वगैरह देख लेते हैं। तो आपको मैं इन शॉपिंग हॉल का जो है वो एक अलग से वीडियो दे दूँगी, अगर आप लोगों को चाहिए हुआ तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस पर मैं आपको ना सारी शॉपिंग हॉल दूँगी। मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की थी, काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने ली थी तो वो मैं आपको दिखा दूँगी एंड प्राइस वगैरह सब कुछ लिंक वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूँगी। तो यहाँ पे तो दुपट्टा पसंद नहीं आया था, कोई ग्रीन वगैरह भी देख रहे थे लेकिन पसंद नहीं आया था। फिर हम लोगों ने आगे कैरी ऑन किया देखना चीज़ें, ये भी सूट थे लेकिन ठीक थे, ये भी यहाँ पे अनस्टिच भी थे। मैंने ऐसे कभी लिए नहीं तो स्टिच पे। तो यहाँ मैं आके मेकअप वगैरह देख रही थी, इनका मेकअप तो बहुत ही अच्छा, मैं सिर्फ इन्हीं के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ बिकॉज स्किन को ख़राब नहीं करती। तो यहाँ ये इनका लिप ग्लॉस था, ये वाला मैंने लिया था, ये वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एंड यहाँ पे इनके जो मैट में थे ना, मैंने ये दोनों शेड लिए थे, ये ऊपर वाले दोनों हैं ये भी लिए थे। एंड इसके बाद मुझे यहाँ पर इनका नज़र आया कंसीलर, लाइक इनके कंसीलर इनकी बहुत अच्छी कवरेज है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स हैं जे डॉट की। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप जे डॉट को जाके मेकअप खरीदें, बहुत अच्छा है, कोई जो आपकी कोई स्किन ख़राब नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। तो ये इनका था कंसीलर था, ये मैंने लिया था। आगे मैं चेक करी थी, मुझे चाहिए था मस्कारा एंड ये वाला जो मस्कारा था ये बहुत अच्छा था, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं लेकिन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूँगी। लाइक ये छोटे छोटे जो आपके आई लैशेज के हेयर होते हैं ना उनको भी कवर अप करता है। सो नेक्स्ट टाइम आ चुके थे यहाँ पर ग्रॉसरी करने, कुछ ग्रॉसरी करनी थी तो मैं भी चीज़ें देख रही थी। यहाँ पर मुझे अपनी फेवरेट नज़र आ गए थे कैरमल कोटेड पॉपकॉर्न्स, तो ये मैंने लिए थे, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा ले लिए थे, लाइक मैं अकेली इनको बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ। फिर मैंने ले ली क्योंकि रीस्टॉक करना था अपनी चीज़ें, मैंने अपनी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा रीस्टॉक की थी अपने। अगर आपको उसका भी हॉल चाहिए तो वीडियो चाहिए आप मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा, फिर मैं इसका भी दूँगी। तो ये थी चॉकलेट्स, मेरी वीकनेस भी स्ट्रेंथ भी चॉकलेट्स,
लाइक मुझे नहीं लगता किसी को चॉकलेट्स नहीं पसंद होगी, चॉकलेट्स तो मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों को बहुत पसंद होगी। तो ये आप देखें इतनी ज़्यादा वैरायटी थी चॉकलेट्स की, मेरा दिल करता था मैं सब कुछ ले जाऊँ, बट अगेन मेरी डाइटिंग ख़राब हो जाएगी इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। यहाँ भी चीज़ें थी, यहाँ जेलीज वगैरह थी, बहुत सारी चीज़ें थी, एंड अगेन न्यूटेला, एंड यहाँ पे पीनट बटर थे। आजकल पीनट बटर जो है ना उनसे मुझे प्यार हो गया अलहदा से। मैं इनको ब्रेकफास्ट में जो है वो लेती हूँ एक स्लाइस एक स्लाइस ब्रेड के साथ एंड साथ पीनट बटर। सो यहाँ मैंने दो ले लिए थे बिकॉज ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड ये ख़त्म हो जाए तो मुझे ना कुछ हो जाता है, सुकून नहीं आता। अगेन हम चले गए थे, अगेन चॉकलेट ना कोई खा रही थी, इतनी ज़्यादा चॉकलेट, इतनी ज़्यादा वैरायटी, अल्लाह। नेक्स्ट फिर मुझे लेना था जैम, मैं जैम लेकर आई, मैंने आई थिंक लिया था ऑरेंज वाला, एंड एक मैंने आई थिंक ये मिक्स फ्रूट था, हाँ मिक्स फ्रूट था, एक दूसरा था। यहाँ मैं लेने आ गई थी ये क्या होता है, ये एक बन, आई डोंट नो इनका नाम क्या है, लेकिन ये भी ले ली थी बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थे। सो आगे मैंने ले ली थी अपनी ये ब्राउन ब्रेड ऑन की, जो कि मैं ब्रेकफास्ट में लेती हूँ। एंड नेक्स्ट सेक्शन जो था वो था जूसेस का, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, मतलब एक दिल करता अगेन चॉकलेट, दिल करता था हर चीज़ ले लूँ हर चीज़। तो यहाँ मैंने ले लिया था फ्लेवर्ड योगर्ट था, इसका फ्लेवर जो था वो स्ट्रॉबेरी का था। देन भूख लग गई थी, फिर हमने यहाँ से पिज़्ज़ा ले लिया था, मार्ट के अंदर ही था ये। देन अगेन मैंने सीरियल वगैरह लेने थे तो मैंने ले लिए वीटा बिक्स, ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है मैं ब्रेकफास्ट में खाती हूँ। एक्चुअली मैं चाहती हूँ मेरे ब्रेकफास्ट का जो मील हो ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अगेन चॉकलेट, लाइक आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि मैंने कितनी ज़्यादा आपको कितनी बार चॉकलेट दिखाई, मुझे कितनी पसंद है। सो यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया था बिल, बाबा बिल कर रहे थे, यहाँ हम लोगों ने ले लिए थी चीज़ें, हम गाड़ी की तरफ जा रहे थे। यहाँ मैं बाबा का वेट कर रही थी कि बाबा जो है वो जल्दी से आ जाए, खड़ी हुई थी मम्मा के साथ। तो बस ये सिर्फ दो बैग थे जो हम लोगों ने लिए थे, और अब इतनी चीज़ें हमने ली भी नहीं, और आप बिल चेक करें, आप बिल चेक करें, लाइक देखें इतनी महंगाई होगी इंसान कहाँ जाए। तो फिर सुबह मैंने हम घर जो आ चुके थे तो हम लोगों ने ऑर्डर किया, हमें बहुत भूख लगी थी, हम लोगों ने खाया KFC। तो सो गाइस ये रही सारी शॉपिंग जो हम लोग करके आए थे। अगर आप लोगों को मेरा जो हमारा मेरा ब्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अगर आपको मेरी शॉपिंग हॉल की वीडियो चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।